देखें दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन को, अलजेब्रा वाले चैप्टर से फ्रेंड्स से। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री, फिर आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, फिर आपसे कह रहे हैं वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी इज इक्वल टू वन। तो बताओ ए बी सी यानी जो तीन वेरिएबल है ए बी सी, इनका प्रोडक्ट क्या निकल करके आएगा? हो जाएगा इजी है, कोई दिक्कत थोड़ा है ना इसमें भी। तो दोस्तों हमें ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? तीन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूला पता हो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। अलजेब्रा के केस में दोस्तों सारे फॉर्मूले जितने भी ना मेन मेन सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्मूला होता क्या हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए, यही होता हमारा फॉर्मूला। अब मुझे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है कितनी, सिक्स। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है कितनी, तीन। तो यहाँ पे रख देते हैं तीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह प्लेस कर देता हूँ सिक्स, और यहां से दोस्तों मैं क्या कर लूंगा अपने टू कॉमन ले लूंगा। ओके, ए प्लस बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, टू मैंने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दी और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी। तो दोस्तों तीन का स्क्वायर क्या होगा, नौ, और नौ में से ये वाला छह इस तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ क्या रह गया, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी प्लस सी ए। तो दोस्तों नौ में से छह गया तीन, तीन के बटे में ये वाला दो, राइट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखते हैं हम कहां तक पहुंच गए और हमें निकालना क्या है। हमसे दोस्तों ए बी सी पूछा है, ठीक है, और हमें एक और जो गिवन चीज है जिसका अभी तक यूटिलाइज हमने नहीं किया है वो है ये वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। तो क्या वन बाय ए वन बाय बी और वन बाय सी इसका सम को लाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। कैसे? अगर हम डिवाइड कर दें बोथ साइड्स बाय ए बी सी, मतलब ए बी सी का जो प्रोडक्ट है उससे हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों हम पे क्या बन जाएगा, थ्री बाय टू नीचे अपॉन में क्या होगा ए बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी के अपॉन में ए बी सी प्लस बी सी के अपॉन में ए बी सी प्लस सी ए के अपॉन में ए बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक, थोड़ा आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब जो कट रहा है दोस्तों आपस में जो भी चीज़ कॉमन है उसमें काट दूंगा। ठीक है, तो मेरे पे रह जाएगा वन बाय ए वन बाय बी प्लस वन बाय सी। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया समझ आए दोस्तों, क्योंकि ये चीज हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो यानी हमने ये देखा कि यार इसका यूज कहाँ पे होगा, हम यहाँ तक आ चुके थे मिडवे तक आ चुके थे, फिर अगर दोनों साइड को मैंने एबीसी से डिवाइड किया तो हमें ये चीज आ गई। इस चीज की दोस्तों वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है, तो यानी मेरा थ्री के अपॉन में टू ए बी सी किसके बराबर आ गया, वन के। तो दोस्तों यहाँ से क्या मेरा ए बी सी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, हो गया सोल्व। बस ए बी सी को आप उस तरफ ले जाओ राइट हैंड साइड की तरफ, ए बी सी इज इक्वल टू थ्री बाय टू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों अब जरा हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना, दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के इनको करते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को देखो, हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेवन, तो कह रहे हैं थीटा की वैल्यू निकालो, और थीटा की वैल्यू लाई करती है जीरो से पाई बाय टू के बीच में, यानी जीरो से नब्बे डिग्री के बीच में लाई करती है। ठीक है, और जो आंसर ऑप्शन आपको दे रखी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, उसमें दोस्तों जो आपको थीटा दे रखा है वो आपको रेडियन के अंदर दे रखा है। ठीक है, यानी जो भी हमारे डिग्री में वैल्यू आएगी उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ईजी है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं सोल्व करने की इसको। तो दोस्तों हमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या दे रखा है, सेवन। किसी भी तरीके से हमें यहाँ से थीटा निकालना है, हमारे लिए बेटर चीज क्या होगी कि हमारे दोनों की दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एक जैसी बन जाए, है ना, वो इजी होगा हमारे थीटा निकालने। तो sec स्क्वायर थीटा दोस्तों होता क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है प्लस ये वाला टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिया, क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, उसका बेनिफिट क्या होगा, थीटा निकलेगा, थीटा किस में निकलेगा, डिग्रीज में, डिग्रीज में निकलेगा तो रेडियन बदल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेवन। तो क्या हो गया, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन उस तरफ जाके माइनस में चला जाएगा, तो सेवन माइनस वन कितना आ जाएगा, सिक्स, है ना, इज इक्वल टू टू टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा क्या आ गया यहाँ से, थ्री, दो से छः कट गया तीन पे, राइट, तीन आ गया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री। ये बात समझ में आई, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया,
यहाँ पे तो पावर, यहाँ तो स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट का कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 10 थीटा रह गया, इधर क्या हो गया अंडर रूट 3। तो दोस्तों 10 थीटा अंडर रूट 3 कब होता है, जब थीटा क्या होता है 60 डिग्री, ठीक है ना। टेन जीरो का जीरो, 10 30 का 1/√3, 10 40 का 1, 10 60 का √3, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। और दोस्तों 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई के बटे में 3 रेडियन, क्यों, क्योंकि पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 3 रेडियन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इजी है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्री गई है वो फ्रेंड्स, ये आपका अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से, देखने में थोड़ा मुश्किल भरे लगे पर है नहीं। तो आपको दोस्तों एन दे रखा किसके बराबर, कोस अल्फा पोन कोस बीटा, ठीक है। एन आपको दे रखा है कोस अल्फा पोन साइन बीटा, फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा इज, तो हमें मान निकालना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा का क्या वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। तो दोस्तों सॉल्व करना चालू करते हैं। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन में ना शुरुआत जो भी चीज आपको निकालने को कही हो, अगर वहां से आप सॉल्व कर सको आसानी, तो वहां से कर ले करो, ठीक है। तो आसान यही रहेगा कि हम सीधा इस चीज को पकड़े और इसके अंदर एम और एन की वैल्यू डालें, सॉल्व करते चले जाए और अंत में जो है उसे हम ये मैच कर लें कि हमारे किस आंसर ऑप्शन से वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो दोस्तों एन की वैल्यू डाल रहा हूँ, कोस अल्फा के अपॉन में कोस बीटा दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा के अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा, क्यों, क्योंकि एम का स्क्वायर है, ठीक है। सिमिलरली एन मुझे पता है लेकिन एन का स्क्वायर चाहिए, तो इनका स्क्वायर कर दूंगा कोस स्क्वायर अल्फा के अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है कोस स्क्वायर बीटा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, अगर हमें जरूरत पड़ा, अगर सॉल्यूशन ज्यादा लेंथी हो गया तो ये वाला स्पेस यूज करेंगे ना, और यहाँ का यह काम हो गया तो बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों दोनों के अंदर क्या कुछ चीज कॉमन निकल के आ रही है, ये देखो कोस स्क्वायर अल्फा दोनों के अंदर कॉमन है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या रह गया, वन के अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा प्लस वन के अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट के अंदर, और कोस स्क्वायर अल्फा बाहर ले गए हम क्योंकि वो कॉमन पार्ट था, तो कोस स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया किसके साथ मल्टीप्लाई में, कोस स्क्वायर बीटा के साथ, है ना। तो हमने कोस स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाल दिया। अभी अभी दोस्तों यहाँ पे जरा एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा ये, कोस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर बीटा, और ऊपर ये रिवर्स आ जाएंगे, इधर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, उधर कोस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। अब दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1, मतलब एनी एंगल, लेकिन अगर वो एंगल सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है तो वो आइडेंटिटी क्या बन जाती है 1, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, वो अगले स्टेप पे लिखेंगे, हालांकि अभी इस वाले स्टेप को पहले मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह दोस्तों क्या हो जाएगा 1, तो 1 के अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कोस स्क्वायर बीटा। तो दोस्तों जो भी कट रहा है काटो पहले, तो कुछ चीज यहाँ पे ऐसी है जो कट जाए, कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा के ऊपर बन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन आया था कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, तो कोस स्क्वायर बीटा से कोस स्क्वायर बीटा हमारा कट गया, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया दोस्तों, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, मेरे पास क्या रह गया कोस स्क्वायर अल्फा के अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा, क्या दोस्तों ये किसी से मैच कर रहा है, कोस अल्फा के अपॉन में साइन बीटा में क्या दिया हुआ था एन, तो दोस्तों ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा एन के स्क्वायर के। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे हम सिंप्लीफाई करते चले गए, सरलीकरण हमने किया उस गिवन चीज का जो भी निकालना था, तो दोस्तों अंत में हम कहां तक पहुंच गए, एन स्क्वायर तक। और क्या एन स्क्वायर हमें ऑप्शन के अंदर दे रखा है, यस दे रखा है, तो एन स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को।